आई थिंक वी शुड गो समवेयर इस दिल्ली की सर्दी से दूर गोवा टू डिस्कस वर्क सर हेलो मे कम इन सर अरे अंदर आने के बाद नहीं पूछते यार आ जाओ सर जो आपने रनडाउन और रिपोर्ट्स मांगे थे ना कंपनी की वो सारी यहाँ पे है और जो प्रेजेंटेशन है कल की मीटिंग वो मैंने आपको मेल कर दी है ओके गुड थैंक यू सर एक बात करनी थी आपसे हाँ बोलो सर बोलो छुट्टी चाहिए थी अरे अभी 5 महीने पहले तो तुमने छुट्टी ली है राहुल सर वो फ्रैक्चर हुआ था ना मेरा बाइक से गिर गया था अभी भी मेटल रॉड है सर दिखाता हूँ आपको मैग्नेट लेके आऊँ नहीं नहीं ठीक है आई ट्रस्ट यू पर अब छुट्टी क्यों चाहिए तुम्हें सर वो शादी हुई है ना अभी 3 महीने पहले सोच रहा था वाइफ के साथ कोई ट्रिप प्लान कर लेता हूँ ना थोड़ा सा मतलब ओके कितने दिन की सर बस 4 दिन 6 दिन सर नहीं 4 डेज अरे तो सैटरडे संडे भी तो इंक्लूड रहेगा संडे तो छुट्टी होती है ना सी राहुल यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टफ दिस पैंडेमिक हैव बीन फॉर अस वी हैव बेयरली मैनेज टू पुल थ्रू दिस अब उस पे तुम 6 दिन की छुट्टी चाह रहे हो सर मेरी सारी की सारी लीव्स पड़ी हैं हेलो रामवीर एक कॉफी भेजो अंदर यू यस एक ही कर दो चल ठीक है यार राहुल ले ले टेक अ 1 डे ऑफ 1 दिन और नहीं तो क्या कंपनी तेरे ही भरोसे चल रही है स्टार एम्प्लॉई हो तुम ठीक है अप्रेजल भी दे देना ये क्या क्या बदतमीजी है ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम एंड हाउ कैन यू इवन आस्क फॉर एन अप्रेजल इन टाइम्स लाइक दिस वी आर लिविंग इन अ पैंडेमिक पता है मुझे हर बार तू यही बोलता है कंपनी इज नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हम लेऑफ्स नहीं कर रहे हैं ये क्या बदतमीजी है तो तोता है क्या 8 महीने से हमें सेम चीज चिपकाई जा रहा है हम हमको समझ नहीं आता हमारे माथे पे लिखा हुआ है पहले 6 दिन ऑफिस लगता था कि नहीं लगता था अब 2 दिन लगता है अब ये एसी का खर्चा लाइट का खर्चा मेंटेनेंस कन्वेंस रिइंबर्समेंट ये सब बच रहा है ना वो ऊपर से ये कॉफी जो तू अभी इधर देना ये जो कॉफी तू 1 घंटे में 3-3 दबा जाता है इसका खर्चा नहीं बच रहा भाई तू किस शैतान की पूजा करता है मेरी कैजुअल लीव को ऐसे कैजुअली कैंसिल करके तेरे को कौन सी खुशी मिलती है और तुम बॉस लोगों का कोई यूनियन वगैरह क्या जिसमें सिखाते हैं कि एम्प्लॉयज का खून कैसे पीना है उनकी छुट्टियां कैसे कैंसिल करनी है उनको ओवरटाइम कैसे कराना है शकाल को रिपोर्ट करता है तू ओ भाई तेरी तो कोई जिंदगी है नहीं ऑफिस के बाहर हाँ सुबह के 10 बजे से रात के 10 बजे तक तूने तो यही कुर्सी गर्म करनी है पर मेरी बात सुन ले ध्यान से अगर कुर्सी गर्म करने से कुछ भी होता ना तो आज हमारा देश कहाँ का कहाँ पहुंच चुका होता अब तुम टॉपिक से भटक रहे हो राहुल भाई इसे भटकना नहीं कहते अच्छे रैंड में थोड़ी सी सोशल कमेंट्री चलती है पर राहुल तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे मैंने तुम्हारी कोई लीव कभी अप्रूव ही नहीं करी हो अभी जब तुम्हारी शादी थी तो तुम्हें 2 दिन की लीव दी थी या नहीं दी थी मैंने सिक्योरिटी पप्पू मेरी शादी की लीव देने के लिए मैं तेरी आरती उतारूं क्या बात कर रहा है उसके लिए भी 2 दिन गिड़गिड़ाया था मैं तेरा बस चलता ना तू पता है मुझे क्या बोलता अरे कोई बात नहीं काम खत्म करने के बाद शेरवानी पहन के यहाँ से निकल जाना घोड़ी मैं करवा दूंगा देखो सर ऐसा है दैट आई हैव गिवन माय प्रेशियस टाइम टू दिस कंपनी फॉर इयर्स ठीक है एंड आफ्टर 6 PM अकॉर्डिंग टू कंपनी गाइडलाइंस आई एम नॉट सपोज टू टेक एनी कॉल्स और ईमेल्स फ्रॉम एनीवन फ्रॉम वर्क ठीक है पर फिर भी मैं लेता हूँ क्यों क्योंकि इन भाई साहब को सारा काम ही तब याद आता है ना आई हैव अर्न दीज लीव ठीक है तो जो भीख में मेरे को 1 डे ऑफ वाला एटीट्यूड दे रहा है इसको घुमा के पीछे ले ले अपने इन 11 इयर्स ऑफ माय एक्सपीरियंस मुझसे आज तक किसी ने ऐसे बात नहीं करी लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना लो तुम शायद भूल गए हो बट आई स्टिल हैव द पावर टू फायर यू ओहो बट सर आप करोगे तो है नहीं व्हाई गोवा जाना ना अपने रोजी के साथ वर्क कॉल इंपॉर्टेंट हु द हेल डू यू थिंक यू आर भाई तेरा स्टार एम्प्लॉय गेट आउट आउट जाओ घर गेट आउट नाउ जा रहा हूं घर ही जा रहा हूं